चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तब उसकी रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। सिर्फ 108 सेकंड्स में ये 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। जब इसका लिक्विड इंजन शुरू हुआ तो इसकी रफ्तार बढ़कर 6437 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। 62 किलोमीटर पहुंचते ही इससे बूस्टर रॉकेट अलग हो गया, जिसके बाद इसकी रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन शुरू हुआ और इसकी रफ्तार बढ़कर 16000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन भी इससे अलग हो गया, तब चंद्रयान की रफ्तार बढ़कर 36908 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। इतनी स्पीड इसको चाहिए थी ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल सके। इसके बाद 1 अगस्त को चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद की तरफ चला गया। चांद तक पहुंचने में इसको 5 दिन लगे। 5 अगस्त को ये मून के पहले ऑर्बिट में पहुंच चुका था, 6 अगस्त को दूसरे ऑर्बिट में और 9 अगस्त को तीसरे, 14 अगस्त को चौथे, 16 को पांचवें और 20 अगस्त को ये पहुंच जाता है लूनर ऑर्बिट में। और शाम में 5:47 पे हमारा चंद्रयान पहुंच जाएगा चांद की सतह पर।